मोदी को हटाए योगी को लाना चाहता है संघ। योगी के करीब रहने का भागवत का 5 दिन का प्लान। योगी के साथ मिल अलग नेतृत्व का गठन। पहले नड्डा का बयान, फिर भागवत का पलटवार और अब योगी के साथ महाप्लान। नमस्कार, मैं हूं आचर और आप देख रहे हैं द भारत शो। योगी आदित्यनाथ से मिलने का मोहन भागवत ने एक बड़ा प्लान बनाया है। 5 दिन तक वो उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे। अब इस महाप्लान के पीछे क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है, इस पर चर्चाएं शुरू हो गई। इसके सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं और कुछ लोग तो चर्चा इस बात पर भी कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर RSS एक अलग नेतृत्व खड़ा करना चाहता है। वैसे बीजेपी इस वक्त बीजेपी हाईकमान और RSS के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये तो आप सभी देख रहे हैं। बीच चुनाव जेपी नड्डा का बयान RSS को लेकर कि कोई जरूरत नहीं है, और उसके बाद जैसे ही मोदी प्रधानमंत्री बने मोहन भागवत ने पलटवार भी कर दिया। दरअसल ये सारी चीजें जो हैं ये काफी दिनों से चल रही थी। लोकसभा चुनाव से पहले अगर आप नजर डालेंगे तो जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उनमें से 3 राज्यों के मुख्यमंत्री संघ के तरफ से ही बनाए गए थे, चाहे वो विष्णुदेव साय हों या फिर मोहन यादव हों या भजनलाल शर्मा हों। ये तीनों मुख्यमंत्री इसलिए दिए गए थे ताकि केंद्र की राजनीति में, लोकसभा की राजनीति में RSS किसी भी तरीके से कोई भी ना तो वो डिसीजन ले और ना ही कोई हस्तक्षेप करे, यानी कि इंटरफेयर नहीं चाहता बीजेपी हाईकमान। लेकिन तीनों मुख्यमंत्री बनने के बाद भी RSS उतने से खुश नहीं हुई। राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं बल्कि केंद्र की जो सत्ता है उसमें हस्तक्षेप RSS का होना ही चाहिए, शायद यही था RSS के मन। और लोकसभा चुनाव के स्टार्टिंग में जो टिकट बंटवारा हुआ उसमें बीजेपी हाईकमान ने अपनी मनमानी की। बताया जा रहा है कि ये सारा जो टिकट बंटवारा हुआ वो अमित शाह के इशारे पर हुआ और जेपी नड्डा ने बखूबी अमित शाह के साथ साथ मिलकर उनके कदम से कदम मिलाए, जिसके बाद खटपट RSS और बीजेपी हाईकमान के बीच में हो गई। दरअसल बात यह है कि जो टिकट बंटवारा किया गया वो ऐसा टिकट बंटवारा किया गया था कि ऐसे नेताओं को साइड कर दिया जाए जो मोदी के बाद आगे आने की चेष्टा रख रहे हों या RSS उन्हें आगे करने का प्लान बना रहा हो। शिवराज सिंह चौहान को पूरी तरह से निपटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद RSS से उनकी जो करीबियां थी और लगातार उनकी सक्रियता थी, जनता का एक जो विश्वास था शिवराज सिंह चौहान को लेकर, जो आक्रोश था जनता के बीच मोदी को लेकर, अमित शाह को लेकर, उसकी वजह से उन्हें विदिशा से टिकट दिया गया। एक तरफ बीजेपी ने वहां पर सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो दिखाने की कोशिश की कि शिवराज को लेकर है, लेकिन वो अपने फायदे के लिए डिसीजन लिया गया था ताकि लोकसभा चुनाव में कोई भारी नुकसान ना हो। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश जैसे तमाम राज्यों में जो टिकट बंटवारे हुए उसमें ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो योगी आदित्यनाथ या वहाँ का जो स्थानीय दिग्गज नेता है जो मोदी के साथ खड़ा होने की क्षमता रखता है उसके वो विपरीत हो, यानी उनके विरोधी हों। और उत्तर प्रदेश में भी यही किया गया था, जो योगी आदित्यनाथ के विरोधी हैं उन्हीं को टिकट दिया गया था। ऐसी चर्चाएँ लगातार होती रही हैं। अब ये सब कुछ इसलिए किया गया था ताकि मोदी के बाद योगी या कोई और ना आ पाए। शिवराज की भी चर्चाएं चल रही हैं, नितिन गडकरी की भी चर्चाएं चल रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जनता के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। तमाम राज्यों में योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार करने के लिए भेजा जाता है। इसी लोकप्रियता को देखते हुए RSS, अब भले ही वो RSS की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, लेकिन RSS लोकप्रियता को देखकर योगी आदित्यनाथ को आगे करना चाहती है। अमित शाह को ये बात पता थी, इसीलिए अमित शाह ने उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की। और बताया तो ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद भी उनका छीना जा सकता है। अभी भी शंकाएं जो हैं वो लगातार बनी हुई हैं। अब ये सारी चीजें जो टिकट बंटवारे में हुई उसके बाद RSS और बीजेपी के रास्ते ऐसा लगा कि अब अलग ही हो जाएंगे। RSS के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी के लिए ग्राउंड पर काम करते हुए नजर नहीं आए, और उसके बाद RSS ने पूरी तरह से बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। और इसके साथ ही कई और भी फैसले को लेकर दोनों के बीच अनबन की खबरें लगातार बनी रही, और उन सभी खबरों को समर्थन तब मिला जब वोटिंग के दौरान ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये कह दिया कि हमें RSS की कोई ज़रूरत नहीं है, अटल के समय में ज़रूरत थी, जब थी तब थी, अब हम अपने आप में सक्षम हैं। अब ये इसीलिए बताया गया कि अगर आप चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं। और दूसरी तरफ बीजेपी ने 400 पार का नारा भी दिया हुआ था।
अब बूथ पर भले ही आरएसएस के कार्यकर्ता नहीं नजर आए, दूसरी तरफ राजपूतों का भी गुस्सा आक्रोश था, जिसकी वजह से वो भी बूथों पर नहीं गए। लेकिन बीजेपी अति आत्मविश्वास में उबल रही थी। जेपी नड्डा ये कह रहे थे, हमें कोई जरूरत भी नहीं है, हम तो 400 पार का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं। अब बीच चुनाव में जब इस तरह का बयान आया, तो उसके बाद जो बीजेपी में आए थे कार्यकर्ता आरएसएस से, जिन्होंने बीजेपी एक तरीके से अपने खून पसीने से सींची है, जो कार्यकर्ता यानी दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता, वो भी कंफ्यूज हो गए कि जाना किधर है, जिसके बाद उनको भी एक तरीके से पीछे धकेलने का काम इस बयान ने किया, वो भी थोड़ा पीछे चले आए। अब जब रिजल्ट आया, जब चुनाव परिणाम आया, तो उसके बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत ही नहीं था। कोई कह रहा है कि राजपूतों का गुस्सा था, तो कोई ये कह रहा था कि विपक्ष मजबूती के साथ लड़ रहा था, कोई कह रहा था कि आरएसएस को लेकर जो टिप्पणियां की गई, जो बयानबाजी की गई, उसकी वजह से ये था। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर सारे फैक्टर थे, कोई एक फैक्टर काम नहीं कर रहा था, बल्कि जो आत्मविश्वास कहते हैं, अति आत्मविश्वास जो बीजेपी के अंदर था, जो 400 पार का नारा दिया गया उससे लेकर नाराजगी, और जो सांसद थे उन्हें जो रिपीट किया गया था, उनको लेकर जो जनता के बीच आक्रोश था, वो सारे फैक्टर यहाँ पर काम आए। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर तो आरएसएस को ही लेकर था और योगी आदित्यनाथ को लेकर था। बीजेपी चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया था, और हमने तब यह खबर बनाई थी कि आरएसएस जो है वो मोदी को हटाना चाहता है। बहुत सारे लोगों ने उस वक्त मजाक भी बनाया कि आखिर ये कैसी बातें हैं, लेकिन ये बात सच थी। अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया था वो सोच समझ कर ही दिया था जेल से आने के बाद, कि योगी को हटाया जाएगा और अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री पद से नरेंद्र मोदी को भी हटना पड़ेगा अगले टर्म में। लेकिन उसके बाद अमित शाह ने बयान दिया कि नहीं, मोदी ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें यह पता था कि अगर मोदी को हटाया गया तो पूरी तरह से बीजेपी साफ ही नजर आएगी, क्योंकि एक तो योगी को लेकर असंतोष, और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा, इस पर किसी भी तरीके से स्पष्टीकरण नहीं था। मतलब ये तय था कि योगी को हटाया जाएगा, और ये इसलिए ताकि अमित शाह की राह आसान हो जाए। अब ये सारी चीज़ें तो उस वक्त चली, और जब चुनाव परिणाम आया तो उसके बाद भी चर्चाएं लगातार अभी भी चल रही हैं कि आखिर क्या हुआ, आरएसएस से क्या कुछ है। अब इसी बीच 6 जून को एक खबर आती है कि दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में आरएसएस के कई दिग्गज थे, जो आरएसएस के पदाधिकारी हैं। बताया जा रहा था कि बीजेपी के भी दिग्गज राजनाथ सिंह से लेकर जेपी नड्डा तक इस बैठक में मौजूद थे। सरकार के गठन से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। बात बनी, लेकिन बात उस तरह से नहीं बनी जैसे 2014 और 2019 में बनी थी। अभी भी अनबन थी, अभी भी खटास थी, लेकिन नरेंद्र मोदी का ये साफ कहना था कि किसी भी तरीके की खटास या अनबन की जो खबरें हैं वो शपथ ग्रहण समारोह से पहले नहीं होनी चाहिए। शपथ ग्रहण समारोह हो जाने दीजिए। अब दिल्ली बुलाए गए योगी आदित्यनाथ, और जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली बुलाए गए तो बताया ये गया कि जेपी नड्डा से उनकी खटपट हो गई, जैसा कि हमने आपको बताया। अब जेपी नड्डा से खटपट हुई, तू मैं हुई, उन्होंने इस्तीफा पेश किया। राजनाथ सिंह आरएसएस की फिर उसके बाद इसमें दोनों जो हैं वो सुलह करवाते हैं। मोदी ये कहते हैं कि अभी किसी भी तरीके से कुछ भी नहीं होना चाहिए, पहले शपथ ग्रहण समारोह होना चाहिए। चलिए, शपथ ग्रहण समारोह भी कंप्लीट होता है, और उसके बाद सनसनीखेज बयान जो है वो आता है मोहन भागवत का, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का। जैसे ही बयान आता है उसके बाद पूरे देश में इस बयान की चर्चा होने लगती है, क्योंकि ये बयान किसी विपक्षी नेता का नहीं था, ये बयान उस आरएसएस के प्रमुख का था जो बीजेपी को सत्ता में लेकर आई, जिसने मोदी को चढ़ाया और अब वही मोदी को उतार रहा है, तो चर्चा तो होगी ही। और चर्चा इस बात पर भी होने लगी कि अब मोदी को हटा योगी को आरएसएस लाना चाहता है, इसीलिए क्योंकि बयान ही कुछ ऐसा था। इतना ही नहीं, बयान के बाद तो इस बात का भी जिक्र होने लगा कि देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले जो अनबन थी अब वो साफ तौर पर दिख रही है, और अब आरएसएस जो है वो ये नहीं चाहता कि अमित शाह मोदी के बाद आए, इसीलिए मोहन भागवत ने ये बयान दिया है। और आरएसएस जो है अब वो किसी ऐसे नेता को मोदी के बाद लाना चाहता है जो उनके जो समीकरण रहे हैं, जो उनके मुद्दे रहे हैं, उस पर वो खरा उतरे। और आप सभी को याद है, चाहे गोहत्या को लेकर कानून बनाने की बात हो, या लव जिहाद का मुद्दा हो, या फिर सिंध को हम भारत में मिलाएंगे, अखंड भारत की बात हो, इन सारे मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ फिट बैठते हैं। योगी आदित्यनाथ आरएसएस की हमेशा बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं। मोहन भागवत भी बताया जाता है योगी आदित्यनाथ के बेहद करीब।
तो आरएसएस पृष्ठभूमि से भले नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, एक महात्मा हैं और आरएसएस के लिए एकदम परफेक्ट उम्मीदवार, मतलब अगर आरएसएस उन्हें प्रोजेक्ट करती है तो प्रधानमंत्री पद के लिए आरएसएस की दृष्टि में योगी आदित्यनाथ एकदम परफेक्ट हैं। अब इसीलिए ये चर्चा है कि मोदी को हटा योगी को आरएसएस लाना चाहते। अब उस बयान का भी जिक्र कर लेते हैं जो मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोहन भागवत ने दिया है। उन्होंने कहा क्या है, चलिए उसी पर नजर डालते हैं। दरअसल जब जेपी नड्डा ने यह बयान दिया था कि हमें आरएसएस की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आरएसएस की बैशाखी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पहले जब अटल जी थे तब उस वक्त थी, अब नहीं है, हम अकेले जो हैं वो सक्षम हैं, तो इस बयान को लेकर ठेस जो है वो आरएसएस को तो पहुंची, कार्यकर्ताओं को पहुंची। मोहन भागवत जो हैं बताइए जा रहे हैं कि तभी से उनके मन में ये ठेस थी, लेकिन जब तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ था उससे पहले किसी भी तरह की उनके तरफ से कोई बयानबाजी नहीं की गई, क्योंकि अनुशासन जो है वो आरएसएस के लोगों में देखने को मिलता है। जो आरएसएस के बड़े पदाधिकारी हैं, जो आरएसएस के प्रचारक हैं, उन लोगों में अभी भी एक अनुशासन जो है वो है, कब कैसे कहाँ क्या टिप्पणी करनी है, कैसे क्या बोलना है, किससे क्या नुकसान हो सकता है, ये सारी चीज़ें आरएसएस की तरफ से देखी जाती हैं। और शायद इसीलिए कि देश में किसी भी तरह से कोई अनबन ना हो, कोई गृह युद्ध जैसी स्थिति ना हो, लगातार मोहन भागवत के बयान पर अगर आप नजर डालेंगे तो वो अल्पसंख्यकों को भी साधने की कोशिश करते रहे, लगातार वो मुसलमानों को लेकर बयान देते रहे ताकि किसी भी तरीके से टूट की खबरें ना आए, अनबन की खबरें ना आए। आरएसएस को पता है कि देश पर कैसे राज करना है। अगर हम एक तरह की सोच लेकर आएंगे, अगर हम किसी पर दबाव बनाएंगे, अगर हम किसी को प्रताड़ित करेंगे तो कहीं ना कहीं एक टूट का बीज जो है वो बोया जाएगा, और जब वो बीज बड़ा होगा और फल देगा तो फिर वो देश के लिए नुकसान होगा, और वो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो हिंदुओं को ही पहुंचाएगा। इसीलिए आरएसएस लगातार इस बात में लगा हुआ है कि कैसे धीरे धीरे जो शिवराज सिंह चौहान की नीति रही है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि बनाकर आप धीरे धीरे जो है उन चीज़ों को करिए जो आपके एजेंडे हैं, जो आपका समीकरण है, जो आपके मुद्दे हैं। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र मोदी जब उन्होंने शपथ लिया तो उसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने मणिपुर का जिक्र कर दिया, जी हाँ, उसी मणिपुर का जिस पर बीजेपी बात ही नहीं करना चाहती। हालांकि बीजेपी के जो बंटवारे की नीति रही है उसी का ये परिणाम है, जातियों को आपस में भिड़ाना, जैसे कि रूपाला ने बयान दिया, और फिर अपने फायदे के लिए जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, और ये सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि तमाम पार्टियों की रही है, चाहे आप कांग्रेस को उठा लें या फिर तमाम पार्टियां जो हैं इसी ध्रुवीकरण के चलते सत्ता पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साम दाम दंड भेद ये सारे जो हैं अपनाए जाते हैं राजनीति में, सभी पार्टियां यही करती हैं, तो इसमें कोई गलत या कोई सही हम नहीं कह सकते। यहाँ पर सबका एक एजेंडा है कि किसी न किसी तरीके से आप सत्ता हासिल करें, और उसी सत्ता को हासिल करने के लिए ये जो कदम उठाए वो अब घातक नजर आ रहे हैं। मैतेई और कुकी के बीच में जो नफरत का बीज बोया गया आज वो पूरी दुनिया देख रही है, और इसीलिए उसका निवारण जो है सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए। उधर लद्दाख में अलग ही प्रोटेस्ट चल रहा था चुनाव के समय, अभी भी मामला जो है वो सुलझा नहीं। अरुणाचल प्रदेश में एक अलग ही मुद्दा है, हालांकि भरोसा जो है वो लोगों को बीजेपी से ही है, और शायद इसीलिए सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को ही मिल पाई, लेकिन अगर उस भरोसे पर बीजेपी नहीं उतरेगी तो फिर क्या होगा, यही कहना था आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का। उन्होंने मणिपुर में जो साल भर से अशांति फैली हुई है उस पर सवाल उठाते हुए ये कह दिया कि ये जो कुछ भी चल रहा है, मणिपुर जो जल रहा है उस पर कौन ध्यान दे। इसके साथ ही उन्होंने नसीहत भी दे दी कि जो मर्यादा का पालन करे और अहंकार ना करे वही सच्चा सेवक होता है। ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बयान माना गया। अब एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, कौन उस पर ध्यान देगा। प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। सहमति से देश चलाने की परंपरा का स्मरण भी मोहन भागवत ने कराया, और उनके बयान के बाद से ही ये साफ नजर आया कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो तल्खियां हैं वो कम नहीं हुई हैं, और वो तल्खियां बढ़ चुकी हैं,
और उसके बाद जब मोहन भागवत ने बयान दिया, उसके बाद खबर ये आई कि मोहन भागवत अब उत्तर प्रदेश में 5 दिन के लिए रहेंगे। हालांकि ये दौरा जो है वो आरएसएस के ही एक प्रोग्राम को लेकर है, उनका ही कार्यक्रम है, उसके तहत है, लेकिन इसी प्रोग्राम के तहत, इसी कार्यक्रम के तहत योगी आदित्यनाथ से एक बड़ी बैठक भी होगी। दरअसल योगी आदित्यनाथ की बीजेपी हाईकमान से बन नहीं रही है। आप याद करिए 2022 में जब विधानसभा चुनाव था उससे पहले का नज़ारा, लगातार ये चर्चाएं आ रही थी कि बन नहीं रही है योगी आदित्यनाथ और बीजेपी हाईकमान के बीच में, क्योंकि जैसे शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, इन लोगों को हटाया गया, ऐसे ही योगी आदित्यनाथ को भी हटाने का उस वक्त प्लान चल रहा था कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे लेकिन योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर नहीं लड़ेंगे। ये बात बीजेपी हाईकमान ने शायद कह दी थी, इसीलिए योगी आदित्यनाथ और बीजेपी हाईकमान के बीच उस वक्त सब कुछ ठीक नहीं था। लेकिन आप सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी इसमें बहुत ही सूझबूझ से काम लेते हैं। जी हाँ, अब नरेंद्र मोदी भी आरएसएस से ही आते हैं, उन्हें ये पता है कि सत्ता कैसे पानी है और किस तरह से हमें सत्ता को लंबे समय तक अपने पास रखना है। इसीलिए उन्होंने पूरे मामले को एक तरीके से अपने हाथ में लिया और फिर अमित शाह क्या कह रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है अलग, उन्होंने उससे अलग होकर योगी आदित्यनाथ को मनाया। तस्वीर आई, सबने देखा कि योगी और मोदी की जोड़ी जो है एक बार फिर से हिट होगी। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कई बड़े मुद्दे खड़े किए गए, विपक्ष ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन फिर क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ को बहुमत मिला, उनकी सरकार बनी और उसके बाद सबकी बोलती बंद हो गई। बीजेपी हाईकमान को भी ये पता चल गया कि योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान नहीं है, जिसके लिए लगातार जनता जो है वो खुद संघर्ष कर रही हो, जहां पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोग अपनी जान देने की बात कर रहे हैं, कोई पानी की टंकी पर चढ़ रहा है तो कोई कुछ और भी बातें जो हैं वो कर रहा है। अब ऐसे प्रदेश में अगर उस मुख्यमंत्री को आप हटाने की बात करेंगे तो फिर सीटें तो कम आएंगी ही, और यही अरविंद केजरीवाल ने चाल चल दी। योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात जैसे ही चली और उसके बाद कई और भी फैक्टर रहे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगीत सोम का फैक्टर, और लगातार जो है वो क्षत्रिय महापंचायत और राजपूतों का गुस्सा, रूपाला ने आग में घी डाला, और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हैं। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका बीजेपी आईटी सेल ने निभाई। जी हाँ, बीजेपी आईटी सेल ने भी इन मुद्दों को और भी बढ़ाया, राजपूतों को मुगल पुत्र कहना, और उसके बाद अगर कोई यादव कुछ कहे तो उन्हें भी आपका हैंडल जो है वो मुस्लिम चला रहा है, इसे लेकर तमाम जो जातियों को एक दूसरे में भिड़ाने का काम बीजेपी आईटी सेल ने किया, यानी कि जो हिंदू बीजेपी के साथ था उसको बिखेरने का काम अगर किसी ने किया तो वो बीजेपी आईटी सेल ने किया, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल विपक्ष के द्वारा बुने जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। और शायद इसीलिए खबर ये भी आ रही है कि अमित मालवीय को जल्द से जल्द हटाया जा सकता है। हालांकि अरुण यादव से लेकर तमाम लोगों को लेकर पहले ही खबरें ये आ चुकी हैं कि फटकार उन्हें उसी वक्त लग गई थी। रविंद्र सिंह भाटी को लेकर एक चीज़ें जो है देशद्रोही और तमाम जो चीज़ें चलाई गई कि आप मजार पर गए, उसको भी भुनाने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं एक सीट जीतने के चक्कर में वहाँ पर, जहाँ पर कैलाश चौधरी का कोई जनाधार ही नहीं बचा था, जनता इतना नाराज थी कि 2 लाख वोट में सिमट गए, आप सोचिए, और रविंद्र सिंह भाटी जहाँ 6 लाख वोट उन्हें मिले, तो अब इतना जो जमीन आसमान का फर्क था वो तो बीजेपी जो आईटी सेल है उसे समझना चाहिए था, लेकिन उन्हें भी देशद्रोही, गद्दार और भी तमाम ट्रेंड उनके खिलाफ चलवाए, तो उसका भी कहीं ना कहीं राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक फर्क पड़ा, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी के जो समर्थक हैं वो ना सिर्फ राजस्थान बल्कि गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि एक ऐसा नेता है, निर्दलीय नेता, जो विजन की बात कर रहा था, जो ये कह रहा था कि अपने क्षेत्र के लिए वो काम करेगा, वो ये बता रहा था कि अगर वो जीतेगा तो क्या करेगा। कैलाश चौधरी जैसे लोग जो केंद्र में मंत्री बन गए लेकिन उनके क्षेत्र के लोग पानी के लिए तरस रहे थे, अब ऐसे ही लोगों के टिकट काटने की जरूरत थी, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने टिकट नहीं काटा, क्योंकि वो ऐसे लोग थे जो चाटुकारिता में माहिर थे, जिनसे अमित शाह या किसी और जो बीजेपी टॉप लीडरशिप है उसको किसी तरह से खतरा नहीं था। तो जो मोदी ने किया है बताया यही जाता है, चर्चाएं इस बात की चलती हैं, कई बार हम ये सुनते हैं कि मोदी ने भी गुजरात में ठीक ऐसा ही किया था, जो उनके समकक्ष के नेता थे उन्हें किस तरीके से उन्हें पीछे धकेला गया, और शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, रमन सिंह से लेकर तमाम नेताओं को ठिकाने लगाया गया, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह का क्या हाल हुआ आपने ये सभी देखा, लेकिन मोदी ने जो किया वो ठंडा करके किया, यानी कि उन्होंने गर्मा गर्म नहीं खाने की कोशिश की, मोदी ने एक प्लान के तहत किया,
धीरे धीरे उन्होंने चीजों को किया, तो वो एक्सेप्ट हो गया, वो जनता ने भी एक्सेप्ट कर लिया और वो बीजेपी के नेताओं ने भी नियति मानकर समझौता कर लिया। लेकिन अमित शाह जो है वो गरम गरम खाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इसीलिए जनता उनके खिलाफ खड़ी हो गई। और उत्तर प्रदेश की जनता क्या कुछ कह रही है, एक वीडियो आपको हम सुनाना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर काफी दिनों से बहुत वायरल हो रहा था कि ये है तो बीजेपी का ही समर्थक है, तो वो जो योगी आदित्यनाथ का फैन, लेकिन अमित शाह के लिए क्या कह रहा है हम उसे बयान नहीं कर सकते, वो आप उसी के मुंह से सुन लीजिए, सुनिए। ऐसा है माननीय अमित शाह जी उर्फ गुजराती नकली चाणक्य अमित शाह, इतना अहंकार मत पालो हाँ, कि अब तुम्हारी हालत खराब हो जाए। योगी जी को तुम बोल रहे हो, योगी जी सीट ठहरवाए हैं, योगी जी सीट ठहरवाए हैं अमित शाह, योगी नीरज शेखर सिंह योगी जी के मित्र थे कि तुम टिकट दिए थे, सलेमपुर से टिकट तुम दिए थे, ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करने के लिए योगी जी कहे थे, कौन कहा था? तो जब सब दलाली तुम किए, सब चाटुकारिता तुम निभाए, चोरी तुम किए, ठेका गुजरातियों को बनारस में तुम बांटे, ठेकेदार कितने बनारस में तुमको नहीं पता है, 100 करोड़ रुपया तुम खर्चा करवाए, पूरे ठेकेदारों को बनारस में बसा दिए, सारे गुजरातियों को बनारस में बसा दिए, बेचारे बनारस के व्यापारियों का तुम धंधा चौपट कर दिए, वहां से तुम कमाई करने लगे, अपने बेटे को क्रिकेट एसोसिएशन में घुसाकर वहां दलाली करने लगे, पूर्वांचल में तुमने हर सीट बेची, अमित शाह तुमने गाली देने के बावजूद, बाबा के मना करने के बावजूद तुमने ओम प्रकाश से गठबंधन किया, तुमने दारा सिंह चौहान से गठबंधन किया, तुम सबको टिकट बांटे और बोल रहे हो बाबा की कहने से है, बेशरम बेहया आदमी है। अरे तुमको जिता दिया गया इसलिए क्योंकि बाबा थे, नहीं तो तुम तो गुजरात से तड़ी पार थे, अब जेल चले जाते, जो बनाना बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेना, कह रहे हैं समझ गए चोर कहीं का। तो सुना आपने, अमित शाह को लेकर नाराजगी है उत्तर प्रदेश के लोगों में और अयोध्या में तो खासकर लोगों में है अमित शाह को लेकर। जो मुश्किलें अयोध्या के लोगों को आई, हालांकि बाद में ये कहा जा रहा है कि मुआवजा मिल गया ऐसा है, लेकिन ये बात भी सच है, जब हम अयोध्या गए कई दुकानदारों से हमने बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि हमें कोई मुआवजा नहीं मिला है, हमारी दुकानें तोड़ी गई लेकिन हमें मुआवजा नहीं मिला है। कुछ लोगों के जिनके घर तोड़े गए थे उन्हें शायद मिला हो, उन्हें कहीं और बसाया गया हो, लेकिन जो दुकानें टूटी थी उसका मुआवजा नहीं मिला। हालांकि बीजेपी आईटी सेल अब ये कोशिश कर रहा है कि उसे कैसे रिकवर किया जाए, उसे कैसे जो है वो बदला जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। और ये दौरा हमारा उस वक्त का ही था जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले थे, उससे पहले जब एक दिन सारे मीडिया चैनलों को बुलाया गया था कि राम मंदिर जो है अब वो बनके तैयार हो गया है, प्रथम तल उसका और उसके बाद अब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उस वक्त ही हमने जाकर लोगों से बातचीत की थी। तो कई दुकानदारों ने इस बात को स्वीकारा था कि हमें मुआवजा सही नहीं मिला है, हालांकि वो बहुत परेशान भी थे कई मुद्दों को लेकर कि यहाँ पर VIP का आना जाना लगा रहता है और रास्ते बंद हो जाते हैं, कई सारी चीज़ें थी। हालांकि विकास के लिए इतना कुछ तो सहना पड़ेगा ही, उन्हें भी ये समझ थी, शायद इसीलिए वो सब्र भी कर रहे थे। लेकिन सब्र का बांध तब टूटा जब वहाँ पर एक ऐसा कैंडिडेट उतार दिया गया जो संविधान को लेकर ही बयानबाजी कर, फिर उसके बाद बीजेपी हाईकमान के तरफ से उन लोगों पर एक्शन ना लिया जाए जो छुआछूत और भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर वहाँ पर रहे और फिर ज़मीन का मामला तो लगातार उठता रहा है कि अमित शाह का वो ज़मीन का मुद्दा, ब्रिजभूषण से वो बातें, उनके बेटे से वो बातें, तो वो सारी चर्चाएँ कई बार हो चुकी हैं। हालांकि जो नेता हैं वो कैमरे पर ये बात नहीं कबूल रहे हैं, कैमरे पर बात करने से मना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है, भय है, लेकिन कैमरे के पीछे हर कोई इन्हीं बातों की चर्चा कर रहा है। बहरहाल जिस तरह से इस वक्त बीजेपी के अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है, चाहे वो संगीत सोम वर्सेस संजीव बालियान की हो या फिर हरियाणा में 10 के 10 प्रत्याशियों ने ये कह दिया कि उनके साथ भीतरघात हुआ है, उत्तर प्रदेश में और भी कई नंदकिशोर गुज्जर से लेकर तमाम जो नेता हैं भीतरघात की आशंका जता रहे हैं, अब ऐसे में बीजेपी के अंदर असंतोष है। ये असंतोष इसलिए है क्योंकि जो वॉशिंग मशीन बीजेपी ने खोली हुई है कहीं ना कहीं वो असंतोष को बढ़ावा दे रही है।
जो आरएसएस से बीजेपी में आए थे, बड़े पद की लालसा कर रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि आगे वही जाता है जो आरएसएस पृष्ठभूमि से हो, जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, अगर यहाँ पर दूसरे कोई आएंगे, अगर दल बदलू आएंगे और उन्हें पद मिल जाएगा, अगर उन्हें मुख्यमंत्री से लेकर राज्यसभा तक लगातार भेजा जाएगा, तो फिर असंतोष तो उनमें होगा ही कि दरी बिछाई हमने, काम किया हमने, बूथों पर लड़ाई की हमने, लेकिन माल कोई और ही खा रहा है। उसी असंतोष की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और अब आरएसएस भी नहीं चाहता कि मोदी के बाद अमित शाह, वो भी ये चाहता है कोई ऐसा नेता आए जो उनके एजेंडे में फिट बैठे। बहरहाल, इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।